मित्रों, सपनों का मनोविज्ञान शुरू से ही मनुष्य के लिए उलझाने का विषय रहा है। वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। स्वप्न आज भी शोध का रोचक विषय बना हुआ है। उसे अचेतन मन की भाषा मानते हुए भी अभी तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है। मित्रों, हो सकता है कि इस बात से कुछ लोग सहमत न हों, परंतु सत्य यही है, स्वप्न की पृष्ठभूमि में भी कहीं यथार्थ की परछाई रहती है। कई बार स्वप्न बीते हुए कल तथा आने वाले कल की ओर संकेत करते हैं। यह संकेत आपको किस प्रकार मिलते हैं और सोने के बाद भविष्य या भूतकाल देखा जा सकता है या नहीं, यह सब आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। मित्रों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि नैनन छिंदंती शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न उसे हवा उड़ा सकती है और न ही उसे कोई दुख हो सकता है। वह तो सदा अचल अमर है। आत्मा अचल होने का अर्थ यह है कि वह हर जगह मौजूद है, तो उसे गति करने की आवश्यकता ही क्या होगी। आत्मा का अंश हर जीव के अंदर होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं चली जाती है, तो आप भ्रम में हैं। सत्य तो यह है कि आपकी आत्मा कुछ कर्मों के ढांचे के अंदर बंद हो जाने के कारण आपको यह लगता है कि आप आत्मा से अलग हैं, परंतु ऐसा नहीं है। यदि आप उस कर्म के ढांचे को हटा देते हैं, तो आपकी आत्मा या मेरी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। यह आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है और हर मनुष्य में परमात्मा का ही अंश वास करता है। इसका मतलब यह है कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं नहीं जाती, उसे कहीं पर जाने की आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन आपका मन गति करता है। इसी गति को हम अपनी आत्मा की गति मानते हैं। सोने का मतलब होता है आपका चेतन मन सो जाना। चेतन मन जो कि आपके शरीर का एक भाग है, जब आप सो जाते हैं तो आपका सिर्फ चेतन मन ही सोता है। चेतन मन वह है जिसे हम जानते हैं, इसके आधार पर हम अपने सारे कार्य करते हैं। यह हमारे मन की जागृत अवस्था होती है। विचारों के स्तर पर जीतने भी द्वंद्व व निर्णय या संदेह पैदा होते हैं। अच्छे बुरे विचार मन में आते हैं, वे सब चेतन मन की ही देन है। अंदर का मन कभी सोता ही नहीं है, उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। चेतन मन जब सो जाता है तो हम बाहर की वस्तुओं को देखना और सुनना बंद कर देते हैं। आत्मा कुछ नहीं करती क्योंकि वह एक अभौतिक सत्ता है, उसके अंदर कोई राग होता ही नहीं। जब हम निर्गुण की बात करते हैं तो वह आत्मा ही होती है। जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हमारा अचेतन मन आत्मा से जुड़कर क्रियाशील हो जाता है और उसके बाद हम सपनों के अंदर चले जाते हैं। इस तरह से देखकर हमें लगता है कि सोने के बाद हमारी आत्मा कही जा रही है। मित्रों, इसके अतिरिक्त आपको पता होना चाहिए कि अचेतन मन चेतन मन से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। वह चेतन मन से भी अधिक काम कर सकता है। वह भूत और भविष्य दोनों को देख सकता है। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा के साथ चेतन मन नहीं जाता, बल्कि अचेतन मन जाता है। शरीर के साथ ही चेतन मन नष्ट हो जाता है, परंतु अचेतन मन आत्मा के साथ जुड़ा होता है, जिसको कर्म का ढांचा कह सकते हैं। असल में अचेतन मन एक सूचनाओं के ढेर जैसा ही होता है और सोने के बाद भी आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है, इसलिए सोने को दूसरी मृत्यु का नाम भी दिया गया है। सोने के बाद आपका अचेतन मन आत्मा के सहारे भविष्य के अंदर जा सकता है। वह भविष्य को देख सकता है, उसके अंदर वह क्षमता होती है। आपके सामने कई ऐसे उदाहरण आए होंगे जिनमें सोने के बाद हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर चला जाता है और स्वप्न के द्वारा आपको भविष्य की कुछ झलक दिखाई देती है। इस तरह के सपने हमें तब आते हैं जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है। आपको कई बार यह आभास भी हुआ होगा कि कुछ बुरा होने से पहले आपका मन विचलित हो जाता है। यह भी अचेतन मन के ही संकेत हैं। हमारा अचेतन मन भविष्य को कैसे जान लेता है, इसके बारे में कहना कठिन है। इसका क्या आधार है, यह भी कहना कठिन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर घटित होता है वह उससे पहले ही सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत में घटना घटित होती है और उसके बाद ही उसका असर भौतिक जगत पर पड़ता है। मित्रों, आपको बता दें कि आत्मा एक सहयोगी है, यह मात्र सहयोग कर सकती है। इसके कारण संभव है कि सोने के बाद दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि आपका अचेतन मन भूतकाल को देख सकता है। यहाँ पर हम भूतकाल की चर्चा कई उदाहरणों से देखेंगे। भूतकाल का मतलब होता है कि जो घटित हो चुका है और उसके अंश आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन चेतन मन उन तक पहुंच नहीं सकता, परंतु अचेतन मन के लिए इन चीजों तक पहुंचना सरल होता है। जब हम संचित सूचनाओं की बात करते हैं तो यह आपके पिछले जन्म अनेकों जन्मों की यादें भी संरक्षित करके रखता है। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी इस प्रस्तुति के द्वारा इस गुढ़ रहस्य की जानकारी भली भांति मिल गई होगी। जाने से पहले अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।